आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान में हमारे आसपास के पदार्थ नामक पाठ में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़े थे, पदार्थ क्या होता है, पदार्थों में कौन कौन से गुण होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर, अवस्था। हम अपने आसपास अनेक पदार्थों को देखते हैं जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं। जैसे लकड़ी को देखते हैं, पानी को देखते हैं, धुआं उठता है अगरबत्ती से उसको देखते हैं, दूध को देखते हैं, बेंच को देखते हैं, पेड़ को देखते हैं, तालाब को देखते हैं, चिमनी से निकलता हुआ धुआं देखते हैं, पेट्रोल देखते हैं, डीजल देखते हैं। ये सभी पदार्थ हैं और ये पदार्थ जो हैं मुख्यतः तीन अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं तो बताएंगे पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्था होती है और उन अवस्थाओं का नाम है, सबसे पहली जो अवस्था होती है उसे हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। और दूसरी जो अवस्था पदार्थ की होती है उसे हम कहते हैं द्रव अवस्था। और पदार्थ की जो तीसरी अवस्था होती है उसे हम कहते हैं गैस अवस्था। गैस अवस्था ध्यान से समझेंगे, पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्था का हमारे हमको पता चल गया कि पदार्थ की जो होती है मुख्यतः तीन अवस्था होती है। पहली अवस्था जो होती है उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं, दूसरी अवस्था को हम लोग द्रव अवस्था कहते हैं और तीसरी अवस्था को हम लोग गैस अवस्था कहते हैं। अब हम विचार करेंगे, अपने आसपास के वस्तुओं को देखेंगे और सोचेंगे कि कौन सी पदार्थ जो होगी वह ठोस अवस्था में आएगी और किन पदार्थों को द्रव अवस्था में रखा जाएगा और किसको जो है द्रव गैस अवस्था में रखा जाएगा। तो अगर हम ठोस अवस्था की बात करें, किन पदार्थों को ठोस अवस्था में रखेंगे तो हम बताएंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि पदार्थ की ठोस अवस्था से आप क्या समझते हैं तब ठोस अवस्था में आप बताएंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाता है। आप बताएंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी, लकड़ी जो होता है वह ठोस अवस्था में होता है। लोहा, लोहा जो होता है वह ठोस अवस्था में होता है। ईंट आदि ये सब किसमें हैं, ठोस अवस्था में है, इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। अब हम विचार करेंगे कि ठोस अवस्था में जो पदार्थ हैं उनमें कौन कौन से गुण होते हैं, यानी इसके बाद से ठोस अवस्था के पदार्थों का क्या गुण होता है उसको पढ़ेंगे, यानी गुण के बारे में जानेंगे। किनके गुण के बारे में जानेंगे, ठोस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं
उनके गुणों के बारे में जाने। तो ठोस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनमें सबसे पहला जो गुण होता है, इस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। यानी पहला पॉइंट में क्या आप लोग लिखेंगे, ठोस पदार्थ के पदार्थों के आकार व आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठोस पदार्थों के आकार व आयतन निश्चित होता है, यानी अगर ठोस पदार्थ है तो उस पदार्थ का आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होगा। अगर ठोस पदार्थ है तो उसमें यह गुण निश्चित ही होगा। दूसरा गुण इसका क्या है, ठोस पदार्थ को हम लोग आसानी से दबा नहीं सकते। जैसे ईंट है, ठोस पदार्थ है, क्या हम उसको दबा पाएंगे आसानी से? लोहा है, ठोस पदार्थ है, उसको दबाना आसान है। लकड़ी है, यह भी ठोस पदार्थ है, इसको भी हम लोग आसानी से दबा नहीं सकते। इस दबाने की प्रक्रिया को संपीड्यता कहते हैं, यानी ठोस की जो संपीड्यता होती है वह नहीं होती है, ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है। संपीड्यता का मतलब होता है प्रेस करना, जिसको हम प्रेस कर सकते हैं, वह दबा सकते हैं, वह संपीड्य होगा, और जो नहीं दब सकता वह असंपीड्य होगा। यानी इसमें हम लिखेंगे ठोस असंपीड्य होता है, असंपीड्य होता है। यानी अगर ठोस पदार्थ है तो यह असंपीड्य होगा, उसको हम दबा नहीं सकते। और ठोस पदार्थों का जो तीसरा गुण है, इसका घनत्व अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है। यानी ठोस पदार्थों का जो घनत्व होता है वह अधिक होता है। यह ठोस पदार्थ था और ठोस पदार्थ के गुण थे। अगला हम लोग पढ़ेंगे द्रव अवस्था। द्रव अवस्था किसे कहते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए कि द्रव अवस्था से क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाता है। कैसे बताएंगे आप लोग? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाता है। जैसे में लिखेंगे इसमें क्या क्या एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं द्रव अवस्था में, इसका एग्जाम्पल हम यहां लिख देते हैं। पानी, दूध, पेट्रोल आदि। अब देखिए पानी को, अगर एक लीटर पानी है तो उसको हम बाल्टी में रखेंगे तो वह बाल्टी के आकार का हो जाएगा, लेकिन पानी की मात्रा एक ही लीटर होगी। उसको हम जग में रखेंगे तो वह जग का आकार का ले लेगा, लेकिन पानी की मात्रा जो होगी एक लीटर होगी। अगर उसको हम बोतल में भरेंगे तो वह बोतल के आकार का हो जाएगा, फिर भी उसकी जो मात्रा होगी वह एक लीटर ही होगी। इससे हमको यह ज्ञात होता है कि द्रव अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का
आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। अब इसमें कौन कौन से गुण होंगे, तो इसमें पहला गुण इसी के आधार पर हम देख लेंगे। अगर ठोस पदार्थ है तो आकार आयतन निश्चित होगा, लेकिन अगर द्रव पदार्थ है तो द्रव के गुण में जो होगा आप बताएंगे, इसका जो गुण होता है पहला आकार अनिश्चित होता है, निश्चित आयतन निश्चित होता है। दूसरा गुण क्या बताएंगे इसमें क्या है, ठोस असंपीड्य होता है, तब बताएंगे द्रव जो होता है संपीड्य होता है, यानी द्रव को दबाया जा सकता है, इसके बीच खाली जो जगह होता है पदार्थों के बीच, द्रव पदार्थों के बीच, वो अधिक होता है, यानी द्रव को हम दबा सकते हैं, संपीड्य होता है। और तीसरा जो गुण है इसमें क्या है, घनत्व अधिक होता है, इसमें घनत्व ठोस से कम होता है, कम होता है, ये द्रव पदार्थों का गुण। एक और इसमें गुण होता है, इनमें तरलता का गुण होता है, तरलता का गुण होता है, किनमें होता है, द्रव अवस्था के जो पदार्थ होते हैं उनमें होता है। तरलता का मतलब होता है बहने का गुण होता है, जैसे पानी बहता है, पेट्रोल बहता है, यानी इनमें जो है तरलता का गुण होता है। यह द्रव अवस्था का गुण था। अगला जो है गैस अवस्था है, जिसको हम लोग जानेंगे, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गैस अवस्था से क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या आप लोग बताएंगे, हवा, H2O2 N2 आदि, यानी हाइड्रोजन गैस जो है गैस अवस्था में जो है वह गैस अवस्था में होगा, नाइट्रोजन गैस, हवा, ये सब क्या होते हैं, गैस अवस्था के पदार्थ होते हैं। अगर आपसे गैस अवस्था पूछा जाए तब बताएंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस अवस्था कहलाता है, जैसे हवा, H2, N2 आदि। और इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, तो पहला गुण में क्या लिखेंगे, आकार व आयतन दोनों अनिश्चित, आकार तथा आयतन अनिश्चित होता है, अनिश्चित। दूसरा में क्या लिखेंगे, दूसरा गुण इसका क्या होगा, संपीड्य होता है, संपीड्य होता है, यानी इसको दबा सकते हैं। तीसरा गुण क्या लिखेंगे, घनत्व कम होता है, कम होता है। चौथा गुण, इनमें बहने का गुण होता है, बहने का गुण होता है,
यह गैस अवस्था में पदार्थों का गुणथा आकार तथा आयतन अनिश्चित होता है, संपीड़य होता है, घनत्व कम होता है और इसमें बहने का गुण